देश की परिस्थिति अगर देखी जाए तो भाजपा के मुकाबले तो नहीं जी, लेकिन कुछ करना ही नहीं। विरोधियों के दिमाग में बेच दिया तो उनने 70 साल राज्य करके 370 पे पहुँचाया था, इनने 10 साल राज्य करके 101 पे पहुँचाया था। तो सबसे अच्छे विकास कितने करूँ है। चुनावी यात्रा के तहत मैं आज न्यूज वन इंडिया से आशु भदौरिया लोकसभा सेगनपुर में आज मैं आया हूँ और आज मैं यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे। 19वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है और तीसरे चरण का चुनाव होना है और हम जानना चाहते हैं कि लोग जो वोट डालने जाएंगे उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में क्या होगा। वोट किस पर डालेंगे? वोट रोजगार पर डालेंगे, महंगाई पर डालेंगे, रोज शिक्षा पर डालेंगे? आखिर में वोट जो डालेंगे वो किस पर उनका मतदान, उनका फोकस होगा मतदान करने का। आइए हम कुछ लोग पूछते हैं चुनावी यात्रा के तहत न्यूज वन इंडिया आशु भदौरिया के साथ। आइए हम जानना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, कुछ सामने दुकानदार लोग बैठे हुए हैं। भैया आपका नाम क्या है? सरोज कुमार जी, मोदी की गारंटी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो किस तरह से विकास विकास में आप क्या क्या चाहते हैं, क्या विकास चाहते हैं? गरीबों का कार्य भी जी, घर घर दाखिल दिया जाए जी, और साफ सफाई हो जी, जन पहुँचाया जाए घर घर जी, उसमें बहुत आप करेगा उसी को बोलते हैं। अभी आपको नहीं पता कि कितने लाख घर में पहुंच चुका है, कितने लाख घर बन चुके हैं, कितना शौचालय पहुँच चुका है, कितने शौचालय बन चुके हैं, आपको भी नहीं मालूम? पता है, पता है, बहुत बन चुके हैं, मगर जिनको मिलना लायक है उनको तो नहीं मिल रहा है, छानबीन सही नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपको जो मतलब ये है कि मतलब अभी जो मिला है उनको नहीं मिला है, मिलना चाहिए उनको मिला है, उनको मिला है। तो आप क्या चाहते हैं? आप सभी को मिलना चाहिए। अच्छा सर, आप कॉलोनी भी अभी तक नहीं मिली, कच्चा मकान हमारा पूरा है, अभी तक कॉलोनी नहीं हुई, इसलिए प्रधान अभी गाँव की किसी ने हमको कॉलोनी नहीं दी। हर प्रधान के घर जाते हैं और सबसे कहते हैं बस कागज दो, कागज दो, कागज भी जमा करते हैं लेकिन काम नहीं होता। आज तक SDM लेवल में आपने, DM लेवल में आप तक कभी आपने कहा ना? वहाँ तक कभी आपने नेट से आप जान सकते हैं, कभी आप नेट से आप बता सकते हैं कि हमें खाने नहीं मिली? बहुत कही है। अच्छा ये बताइए, सरकार किसकी चाहते हैं आप? कौन सरकार चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं आप? देश में आप देशभक्त सरकार चाहते हैं या विकास सरकार? क्या भाजपा का लगा और कौन दूसरा है? अच्छा, अब मतलब बीजेपी कॉलोनी भी नहीं मिली और बीजेपी कहाँ जाएंगे? देखिए दादाजी हमारे, इनका साफ कहना है कि हमको कॉलोनी नहीं मिली, कई प्रधान आए, मैंने प्रधानों से कहा लेकिन वोट हमारा बीजेपी को ही जाएगा। और भी लोग खड़े हुए, आइए उनसे जानना चाहते हैं। दादा आप बताइए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है, ट्रेनें स्टेशन बेच दिए, सारे बंदरगाह बेच दिए, सारे बस अड्डे बेच दिए, पूरा देश बेच दिया, क्या कहना चाहिए? हम तो कह रहे बारे ने कुनी बेच दो, बहुत अच्छा काम था। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा। अच्छा हाँ, तो ये जो विरोधी तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? गलत लगा रहे हैं। आओ आओ आओ, जोर से बोलो। तो मोदी जी ने जो एक आंकड़ा फिट किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आपकी बार 400 पार, तो क्या लगता है आपको 400 पार हो जाएगा? 400 बिल्कुल हो सकता है कि अगर जनता चाहेगी, वैसे औसार पूरे दिख रहे हैं। अच्छा, आप नहीं कह सकते। आप यहाँ सांसद कौन है? हमारे यहाँ रामशंकर कठेरिया। केवल ये बताइए, रामशंकर कठेरिया जी आपके कस्बा में, आपके गाँव में कितनी बार आई? हमारे सांसद जी एक भी बार इस कस्बे में नहीं आए, लेकिन फिर भी देखिए आस्था, एक आस्था है कि फिर भी कहते हैं कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, रामशंकर कठेरिया को ही वोट देंगे। अच्छा एक बताइए, रामशंकर कठेरिया जी ने कोई विकास कार्य किया आपके गाँव में? ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये मार्ग जो जुरीका और बीकेपुर वाला, ये किसने बनवाया? ये हमारी समझ में तो ऊपर ही से आओगे सामने, पहले ही का है, तो पहले ही का है। अच्छा, भाजपा या फिर अदर?
इस समय देश की परिस्थिति अगर देखी जाए तो भाजपा बेहतर मुकाबले को निकलती है। कुछ कमियाँ भी हैं, सभी में होती है। कमियाँ कमियाँ बताइए सर। देखो रोजगार और महंगाई के लिए तो जो है विचार करना। सर 10,000, 5,000, 5 लाख से लेके 10 लाख तक युवाओं को रोजगार दिया है सर मोदी जी ने, उसको सर रोजगार नहीं मानते आप? और भी जो और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के भी जो लोग हैं या वहाँ पर जो जो भी युवा है उनकी ओर भी देखना, ठीक है ना। यद्यपि मोदी के लिए है, ऐसा नहीं है कि यद्यपि ये ना मतलब होते हुए मतलब योगी और मोदी मोदी वोट है मतलब और किसी से मतलब नहीं, कोई हो भी यानी मतलब कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति कोई भी हो, कुछ देखो प्रत्येक व्यक्ति में हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि सभी अच्छाइयाँ हैं, देखो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन परसेंटेज के आधार पर कुछ परसेंटेज अगर किसी में बुराइयाँ भी हैं, 100% में अगर 80% अच्छाइयाँ हैं, 20% अगर कमियाँ हैं तो हम उसी कमियाँ ही नहीं कही जा सकती हैं, इसलिए ये कहेंगे कि अच्छा है और जो है देश को आगे आगे ले जा रहे हैं, तो इसलिए मोदी को वोट करना चाहिए। बहुत अच्छे सर। आइए सर, हम और लोग बैठे हुए हैं, कुछ मैं जानना चाहता हूँ। सर आपका नाम? जी कुमार शर्मा। सर योगी जी का और मोदी जी का एक विजन चार से पार, क्या कहेंगे? सर लगभग तय है जी। रीजन इनका विकास, इनकी योजनाएं हैं, लाभ जैसे कि गंजन योजना, लेटरिंग हैं, अनाज की मतलब सारी सुविधाएं हैं और हर व्यक्ति के पास पहुंच रही हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ सिलेंडर है, ऐसी कई योजनाएं इन्होंने चलाई हैं। जी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक सौ नारा है सर, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सर ये बता दीजिए सब किसका विश्वास, किसका विकास और किसका विश्वास? सबका विकास है, किसका नहीं है, किसके साथ विकास नहीं कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। विपक्ष हमेशा एक रोजगार स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, अडानी को पैसा दे दिया, मोदी को उसको क्या नाम अंबानी को पैसा दे दिया, और हमेशा मतलब ये क्या नाम विरोध करते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? कोई भी किसी का विरोधी हो, विरोधी तो विरोधी होता है, विरोधी तो विरोध की भाषा नहीं। स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, ये क्या सर? मेरी जानकारी में तो है नहीं है कि अब स्टेशन बेच दिया या हवाई अड्डे बेच दिए, अब विरोधियों के दिमाग में बेच दिया तो वो समझो। ठीक सर, मोदी क्यों विकास किया? विकास मोदी जी को कुछ विकास बताएंगे? खेती के पैसा आ रहे, खेती पर सम्मान निधि आ रही जी, अभी कुछ नहीं जी। लेकिन ये जो विपक्ष है वो हमेशा ये कहता है कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने नौलख का सूट पहनते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी हमेशा मोदी का विरोध करते हैं, तो क्यों क्या कर रहा है? आज विरोध होता होगा, हाँ चुनाव है, तो चुनाव क्या है हमेशा? सर आप युवा हैं और युवा देश की शक्ति होती है सर, और युवा जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है इसी तरीके रीढ़ की हड्डी देश को माना जाता है, क्या करते सर आप? नहीं सर, आप करते क्या इस समय? अच्छा दुकान चाहते तो सर मोदी जी की आप बता रहे हैं, मोदी जी ने क्या किया? बहुत सारे काम किए, अच्छे काम किए मोदी जी ने, और युवा को जॉब दिलवाई है, वैकेंसी निकाली है। लेकिन ये विपक्ष है हमेशा कहता है रोजगार, पब्लिक के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, युवा रोजगार से भटक रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, ट्रेन आग लगाई जा रही है, अब ये शक्ति वो लगाई निकाली थी उन्होंने सेना के लिए मिशन शक्ति, तो उसमें भी उन्होंने क्या नाम लगा दिया, तो आप कह रहे रोजगार, तो रोजगार मतलब कहाँ फिर रोजगार की बात आ रही हुआ है उसके लिए? अग्निवीर आपको अग्निवीर की योजना चल रही है जी। सर आप ये बताइए इंडी गठबंधन या फिर एनडीए? वैसे एक बात बताएं, सचेत है
और बढ़िया बात है तो करत नहीं। अगर कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस ने अगर 70 साल राज्य करो है तो कांग्रेस ने पता है 65 जब 2014 में पहली बार जब सरकार आई थी तो पेट्रोल के दाम पता है कहाँ थे? आप पता है 65-70 और उसके बीच में थे जी। तो उनने 70 साल राज्य करके 65-70 पे पहुँचाया पाओ, इनने 10 साल राज्य करके 101 पे पहुँचाया था। तो सबसे अच्छे विकास किनने करो है, समझ रहे? और जो गैस है, गैस क्या रुपया अभी सिलेंडर है तो 450 या 350 पार कर चुके तो इसमें गिर गया। ये विकास है। आप हमारी बात सुनिए, अगर ऐसे एक पेट्रोल है तो सरसों लाहा गेहूं किसान का है। सबसे बड़ी है।